नमस्ते, मैं डॉक्टर निकिता मूर्ति गर्भगुड़ी IVF सेंटर में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो इस वीडियो में मैं क्या बात करूंगी? ये बात करूंगी कि एक IVF ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर ने आपको बोला है तो उसको कैसे प्लान करें। तो IVF ट्रीटमेंट सुनने के बाद आपके मन में कभी कभी डाउट्स होगा या फिर डर भी होगा कि कैसे करें, या फिर आप वर्क कर रहे होंगे तो इस वर्किंग के टाइम पे ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं या नहीं, या इसके टाइम पे आपको लीव अप्लाई करना होगा, कब अप्लाई करना होगा, या फिर आप कभी कभी दूसरे शहर से एक और शहर तक आके IVF ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो कब कब आना है, ये सब आपके सवाल आपके मन में कभी कभी हो सकता है। तो इस वीडियो में इनमें जितना हो सके उस डाउट्स को मैं क्लियर कर देती हूँ। तो एक IVF ट्रीटमेंट बोला है तो डॉक्टर ने, तो उसमें क्या क्या होगा? पहले होगा IVF स्टिमुलेशंस या फिर IVF इंजेक्शंस। सो इस टाइम पे यूजुअली 10 से 12 दिन तक आपके इंजेक्शंस लेना पड़ेगा, और ये इंजेक्शंस आप हॉस्पिटल आके लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे गर्भगुड़ी IVF सेंटर में IPL ट्रीटमेंट भी है, मतलब घर पे आके ट्रेंड नर्सेस आपको इंजेक्शंस देंगे। तो इस 10 से 12 दिन तक आपको इंजेक्शंस लेके जब भी डॉक्टर बोलते हैं तो हॉस्पिटल आके आपको स्कैनिंग करना पड़ेगा। ये स्कैनिंग किसके लिए है? एग ग्रोथ ठीक से हो रहा है या नहीं देखने के लिए। तो एग सब ग्रो होने के बाद 10 से 12 दिन होने के बाद क्या होगा नेक्स्ट? एग रिट्रीवल। सो इस एग रिट्रीवल हम पेन ना होने के लिए स्मॉल शॉर्ट एनेस्थीसिया के अंदर ये हम करते हैं। तो इस एनेस्थीसिया देने के लिए हम यूजली सुबह में एडमिट करते हैं और कुछ घंटे के लिए रख के आपको घर भेज सकते हैं। तो इस दिन आपको, अगर आप वर्किंग है तो रेस्ट लेना या फिर पूरा तरीके से लीव लेना आपको इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद प्रोसीजर क्या है? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। सो इस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम पे भी आपको 2 वीक्स तक बेड रेस्ट के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये 2 वीक्स पे आप डेफिनेटली घर के काम, जो छोटे छोटे काम होते हैं, आपके ओन काम जो होते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो बेड रेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये 2 हफ्ते के बाद हम प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं। ये ब्लड टेस्ट में प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद जो भी मेडिसिंस देते हैं वो टाइम टू टाइम आपको लेना पड़ेगा। ये सब आप घर पे ही कर सकते हैं, और जब भी हम स्कैनिंग के लिए बोलते हैं प्रेगनेंसी को मॉनिटर करने के लिए, उस टाइम पे आपको हॉस्पिटल के लिए आना ज़रूरी होगा। सो इस मुताबिक हम IVF ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। एग रिट्रीवल के टाइम पर आपको एक दिन का शायद लीव लेना पड़ेगा, उसके बाद डेफिनेटली आप नॉर्मल से जो भी एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं। सो इसके बाद अगर कोई भी डाउट्स हो या प्रॉब्लम्स हो तो डेफिनेटली हमसे शेयर कर सकते हैं। इस मुताबिक हम IVF ट्रीटमेंट आपके लिए प्लान कर सकते हैं। तो अगर IVF ट्रीटमेंट एडवाइस किया है तो उसको डेफिनेटली डिले मत कीजिए, क्योंकि डिले होने के बाद क्या होता है कि उसका सक्सेस रेट उतना ही कम होता जाता है। सो डेफिनेटली आपका शेड्यूल में कैसा फिट हो सकता है उस तरीके से हम आपको प्लान करके दे सकते हैं। थैंक यू।